ले पुत्र तेरी रोटी, याद से खा ली। अम्मा तेरे पास 20 रुपए होंगे? हाँ वो देना जरा। मुझे एक बात तो बता, तेरा उस्ताद तुझे थोड़ा बहुत खर्चा भी नहीं देता? वो उस्ताद से कहा तो था लेकिन वो कहता है कि पहले काम सीख लो, ऊपर से काम सिखाता भी नहीं है। अम्मा मेरा तो दिल करता है मैं ये काम ही छोड़ दूँ, कोई और सीख लूंगा ना। नहीं पुत्र, पहले 2 साल हो गए हैं तुझे इस काम पे जाते हुए, अब ये छोड़ के नई जगह जाएगा तो ये 2 साल तो जाया हो जाएंगे ना। और वैसे भी मैं अब बीमार रहने लगती हूँ, लोगों के घरों में काम नहीं कर सकती। तुझे भी तो 2 साल हो गए ये काम सीखते, ना तुझे पैसे मिले और ना तू कारीगर हुआ। तू जल्दी से यही काम सीख ले, घर में पैसे आएंगे तो खर्चे चला गए ना। अम्मा तू परेशान ना हो, मैं यही काम सीख लेता हूँ, बस कुछ टाइम और मैं घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लूंगा, तू परेशान ना हो। जीता रहा मेरा पुत्र, तेरे अब्बा जिंदा थे तो कहा करते थे मैं अपने हारून को बड़ा आदमी बनाऊंगा, लेकिन अब तो। अम्मा कहा ना परेशान ना हो, परेशान ना थुसा। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है काम। ये ले बेटा। बैठो भाई साहब, अभी हो जाता है। छोटे इसके टापे खोल जल्दी से, ये क्लच हो गया। उस्ताद जी क्लच टूट गया। ओ बेगैरत इंसान, सुबह भी तक काम करना नहीं आया, आज दिन मेरे नुकसान पे नुकसान ही करी जा रहा है। आज मैं तुझे इंसान का बच्चा बना के छोड़ूंगा, सिर्फ तेरे साथ मैं करता क्या हूँ। परेशान आया तुझे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक छोटे से मासूम बच्चे को इतनी बेदर्दी से मार रहे हो तुम। ओ जनाब, आपको नहीं पता इनके साथ ऐसा होना जरूरी है। क्यों? अगर तुम्हारा सगा बेटा इस तरह गलती करे तो इसी तरह जानवरों की तरह मारोगे उसे क्या? रुक तू, तेरा बंदोबस्त करता हूं मैं। बेटा इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। रो नहीं, चुप कर जाओ। ये बताओ पहले भी ये तुम्हें मारता है? डरो नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बताओ मुझे, बताओ। तो रोज मारता है, 2 दिन पहले तो इतना मारा कि मैं सीधा सो नहीं सकता। ये देखे बेटा, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? वो अब्बू 2 साल पहले फौत हो गए। बेटा परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा, तुम्हें मैं अपने पास नौकरी दूंगा, तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं, और कल से तुम यहाँ नहीं आओगे। वह जालिम इंसान, किसी का बच्चा तुम्हारी मोहताजी में आ गया, तुम उसके साथ ऐसा सुनी करोगे? देख मैं अब तेरे साथ करता क्या हूँ। साहब जी अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा जुल्म नहीं करूंगा।
माफी तो तुम्हें पुलिस ही देगी। उस्ताद बनकर बेचारे बच्चों पे ये जाहिल बहुत जुल्म ढाते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा जालिम किसी गरीब के बच्चे पे जुल्म करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। इस दरिंदगी को अब रोकना होगा।